देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। धनतेरस का दिन माना जाता है सबसे व्यस्ततम सड़क के हिसाब से। यहाँ पर पूरे रीवा शहर की सड़कों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, यातायात को सुगम रखने के लिए हमारे साथ यातायात विभाग के तमाम लोग मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे DSP रीवा मनोज वर्मा जी से। सर, किस तरीके का, जिस तरीके से आपने इंतजाम किया, क्या दिन भर इसी तरीके की व्यवस्था, ये इसमें कुछ बदलाव, जैसे कि इस बार धनतेरस 2 दिन का है? ये व्यवस्था हमारे पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह साहब के मार्गदर्शन में तैनात की गई है और उन्होंने स्वयं भ्रमण करके और मुझे गाइड किया है और अपने अनुभवों को मुझे शेयर करते हुए जो गाइड किया है उसके मुताबिक शहर में जो आज व्यवस्था आप देख रहे हैं, अभी जो वाहन चल रहे हैं ये उस स्थिति तक चलेंगे जब तक रोड पर मूवेबल बने हुए हैं। प्लान ये बताया गया है, ये बनाया गया है कि जैसे ही पब्लिक खरीदारी के लिए मार्केट में पैदल में आ जाएंगे तो इन वाहनों को मेन मार्केट के आगे डाइवर्ट किया जाएगा या पार्क किया जाएगा और आगे पैदल भ्रमण करते हुए त्यौहार का आनंद लेते हुए खरीदारी करने का प्लान हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया गया है और अक्षर सा आप देख रहे हैं कि हमारे अधिकारी, हमारे स्टाफ पूर्णतः तैनात करते हुए और ये प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और लोगों का त्यौहार, तीनों का समागम होते हुए बहुत खुशीपूर्वक समय बिताएं। 3 चीज़ें जरूरी हैं, यातायात सुगम रूप से चले, महिलाओं को किसी भी तरीके से खरीदारी में दिक्कत ना हो और तमाम लोगों को एक साफ सुथरे माहौल में खरीदारी करने के लिए मौका मिले। हमारे पास यहाँ पर अखिलेश जी भी मौजूद हैं। माना जाता है जिस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था, हालांकि धनतेरस के 1 दिन पहले से देखी गई थी और ऐसा लग रहा था धनतेरस के दिन कोई व्यवस्था गड़बड़ी नहीं होगी, किस तरीके की मेहनत की थी आप लोगों ने? DSP यातायात सर और SP सर के निर्देशानुसार जो भी प्लान बनाए गए हैं उसको हम लागू कर रहे हैं। आउटर में हम ऑटो को रोक रहे हैं, मूवे ट्रैफिक को मूव कर रहे हैं लगातार, कोई भी एक जगह स्टॉप ना हो, और लगातार इन वाहनों को नो पार्किंग पार्किंग एरियाज में भेज रहे हैं। इससे क्या है, ट्रैफिक मूव रहता है और पैदल चलने वालों की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसा कि अभी धीरे धीरे पब्लिक का, धनतेरस का दिन है, धनतेरस इस बार 2 बार का, पब्लिक जिस तरीके से पब्लिक का मूवमेंट बाहर आ रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, जिस तरह से पूर्व से मेहनत की गई है और इसको नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है आधे मार्केट को, उस हिसाब से अगर लोड बढ़ता है तो उसको बाहर से हम 4-व्हीलर 2-व्हीलर रोक देंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पूरी प्लानिंग कर ली गई है, पूरी तरीके के व्यवस्था के इंतज़ाम कर लिए गए हैं। जैसा कि ट्रैफिक विभाग के लोगों का मानना है, उनका साफ तौर पर कहना कि किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर दिलीप जी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। जैसा कि लगातार आप कल से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिख रहा, अभी तक शहर में कोई भी दिक्कत नहीं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि धनतेरस इस बार 2 दिन का है, तो आपको लगता है कि दोनों दिन आप आसानी से हम सब कुछ संभाल लेंगे? बिल्कुल आसानी से संभालेंगे, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं, 1 एंड ओनली DSP ट्रैफिक सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया है। हमारा काम है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना और हम बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमारा वादा है आपको। और जो हमारा प्लानिंग है कि जो हमने पूरा सेल्वी प्लाजा मार्केट है इसको नो व्हीकल जोन बना के रखा है, कोई भी गाड़ी या कोई भी इस प्रकार का वाहन, हैवी व्हीकल्स नहीं आने देंगे ताकि शहर में जाम लगे। आप लोगों का धनतेरस का जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से होगा, बिना जाम के होगा, बिना किसी दुर्घटना के होगा, ये हमारा वचन है आपसे, प्रॉमिस है। धनतेरस का त्यौहार आसानी से होगा, बिल्कुल जैसा कि आप त्यौहार मनाते हैं, सारे त्यौहार वैसे ही होगा। दिलीप जी, मुझे याद है लॉकडाउन के दौरान आप एक गाना गाया करते थे, मुकद्दर का सिकंदर का, वो गाना जरा एक बार हमारे दर्शकों को उन दिनों की यादें भी ताजा कराई जब सड़कें सन्नाटे भरी होती थी। ये त्यौहार हो जाने दो, मैं आपका गाना सुनाऊंगा। त्यौहार की खुशी में ही एक लाइन तो बनती है, DSP साहब के निर्देश में सुनाएंगे, बिल्कुल एक लाइन तो बनती है, DSP साहब ने भी कह दिया। चलिए, मैंने जो गाना गाया था वो ये था, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। त्योहार, त्योहार जी हाँ, इसी तरीके से मनाना है, घर में
घर से निकलना है खरीदारी के लिए, खुशी खुशी खरीदारी करना, बगैर किसी संकट के, बगैर किसी परेशानी के घर जाना। जिस तरीके से आपने एक शानदार गाने के साथ एक इस कार्यक्रम को, जो इस आज के इस जो भी व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से यातायात विभाग ने व्यवस्थाएं बनाई थी, उसको देखते हुए लग रहा सब कुछ बेहतर तरीके से बीतेगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।